अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप ट्रेंडी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि 18 मई को जायजा इजलास होगा, अवाम हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करें। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है 18 मई को जायजा इजलास होगा, अवाम हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करें और इस जायजा इजलास में तमाम तर सूरत हाल का दोबारा से जायजा लिया जाएगा कि SOPs पर किस हद तक अमल दरामद किया गया, सूरत हाल किस हद तक अंडर कंट्रोल है और उसके बाद आइंदा काला अमल तय किया जाएगा। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। पंजाब में तमाम सरकारी निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। इस हवाले से जो है वो ट्वीट भी सामने आ चुका है। ट्वीट किया गया है सूबाई वजीर तालीम मुराद रास की जानिब से, पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि 18 मई को जायजा इजलास होगा, अवाम हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करें। उनकी जानिब से यह राय जारी की गई है। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि 18 मई को जायजा इजलास होगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कमेंट पूछना होगा तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसके बारे में भी ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग अवर वीडियोज। Your like, comment and subscription gives me lots of encourage to create more informative videos for you. So it's my humble request to share this video to your friends so they also get this information at right. Inshallah, I will create more informative videos for you. Keep supporting us. Agar aap mere channel par new hai to kindly subscribe my channel and press the bell icon taki meri new updates आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।